अगली बड़ी खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। एक ही समय में रनवे पर बेहद करीब दो दो प्लेन आ गए। एयर इंडिया के करीब आया इंडिगो का विमान, सूझबूझ दिखाई और इंडिगो के उतरते ही पायलट ने प्लेन को टेक ऑफ कर दिया। तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट के रनवे से सामने आई है। रनवे नंबर 27 का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया का ये प्लेन लैंडिंग की तैयारी में, और ठीक उसी समय पीछे से रनवे पर एयर इंडिया का प्लेन भी टेक ऑफ के लिए तैयार है। लेकिन जैसे इंडिगो का प्लेन करीब आने लगता है, वैसे ही एयर इंडिया का पायलट बिना वक्त गवाए प्लेन को टेक ऑफ कर लेता है ताकि टक्कर होने से बचा जा सके। बड़ी चूक यहां पर सामने आई है एयरपोर्ट प्रशासन की, और देखिए किस तरीके से एक ही रनवे पर दो दो विमान आपको एक साथ नजर आएंगे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 27 का यह वाकया है। ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा कि एक रनवे पर अक्सर 5 से 10 मिनट का गैप होता है किसी भी विमान के आने जाने में, जहां एयर ट्रैफिक ज्यादा हो वहां भी। लेकिन एक रनवे पर आप आगे देखिए, एक विमान है और उसके ठीक पीछे दूसरा विमान आ रहा है, लेकिन एयर इंडिया का जो विमान है उसने सूझबूझ किया और इंडिगो के विमान से जैसे ही टकराने की नौबत आई उसने वक्त रहते टेक ऑफ कर लिया, जिसकी वजह से टक्कर नहीं हुआ, वरना दोनों ही विमानों में बैठे लोग न सिर्फ घायल होते बल्कि प्लेन क्रैश होने से बड़ा हादसा भी हो सकता था। रनवे पर भी अगर प्लेन टकराते तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। डीजीसीए ने मुंबई एयरपोर्ट मामले में अब एक्शन भी ले लिया है। घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात एटीसी स्टाफ पर गाज गिरी है। डीजीसीए ने एटीसी स्टाफ को री रोस्टर्ड कर दिया है, और डी रोस्टर करने के बाद अब कार्रवाई की बात कही गई है। लैंडिंग के वक्त टेक ऑफ के लिए दूसरा जहाज आखिर एक ही रनवे पर कैसे पहुंचा?